एक जादुई जंगल में रेमी नाम का एक चतुर खरगोश रहता था जो एक प्रतिभाशाली जादूगर था। रेमी अपनी अद्भुत चालों और भ्रमों के लिए दूर दूर तक जाना जाता था। उसका एक वफादार दोस्त था मिलो नाम का एक बुद्धिमान बंदर और एली नाम का एक कोमल हाथी। साथ में उन्होंने दोस्तों की एक अप्रत्याशित तिकड़ी बनाई जो जादुई जंगल के आश्चर्यों का पता लगाना पसंद करते थे। एक दिन जब वे जंगल में घूम रहे थे, उनकी नजर चूसा नाम के गधे पर पड़ी जो बहुत उदास था। चूसा ने बताया कि उसने हमेशा एक कलाकार बनने का सपना देखा था, लेकिन उसके पास रेमी मिलो और एली जैसी कोई विशेष प्रतिभा नहीं थी। चूसा के लिए खेद महसूस करते हुए रेमी मिलो और एली ने उसे अपनी अनूठी प्रतिभा खोजने में मदद करने का फैसला किया। जादूगर होने के नाते रेमी ने चूसा को कुछ सरल जादू के गुर सिखाए, जबकि मिलो और एली ने उसे नृत्य करने और अपने खुरों से संगीत बनाने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्हें आश्चर्य हुआ कि चूसा में जादू और संगीत दोनों की स्वाभाविक प्रतिभा थी। उनकी जादुई चालें सरल लेकिन प्रभावी थीं, और उनके खुरों की थाप से सुंदर लय पैदा होती थी जो पूरे जंगल में गूंजती थी। चूसा की प्रतिभा के बारे में बात तेजी से फैल गई और जल्द ही पूरे जंगल से जानवर उसका प्रदर्शन देखने आने लगे। चूसा का शो एक नियमित कार्यक्रम बन गया और वह उन सभी के लिए खुशी और हंसी लेकर आया जिन्होंने उसे प्रदर्शन करते देखा था। जैसे जैसे समय बीतता गया, रेमी मिलो एली और चूसा जंगल में सबसे मनोरंजक समूह के रूप में जाने जाने लगे। वे जंगल के एक छोर से दूसरे छोर तक यात्रा करते थे। जहां भी वे जाते थे वहां खुशियां और आश्चर्य लाते थे। उनकी मित्रता और प्रतिभाएं पूरी तरह से एक दूसरे की पूरक थीं और वे अविभाज्य बन गए। जादूगर खरगोश, बुद्धिमान बंदर, कोमल हाथी और प्रतिभाशाली गधा पूरे जंगल में खुशी और जादू फैलाते रहे, जिससे ये साबित हुआ कि थोड़ी सी मदद और प्रोत्साहन से कोई भी अपनी विशेष प्रतिभा खोज सकता है और दूसरों के लिए खुशी ला सकता है। और इस तरह चारों दोस्त हमेशा खुशी से रहते थे। अपने रास्ते में आने वाले सभी लोगों के साथ अपने उपहार साझा करते थे।